हेलो एवरीवन, जेंग मुया को समझा रही थी कि मुया ये स्मॉल शवल है, तो मुया बोलती है स्मॉल शवल, और मुचेन उन दोनों को पीछे से देख रहा था। जेंग बोलती है मुया कितनी स्मार्ट है। फिर मुया पीछे देखती है तो उसे एक बकेट दिखती है। वो उस बकेट को उठाने जाती है तो एक बच्ची बोलती है ये मेरी है, तो मुया को गुस्सा आ जाता है और वो उस बकेट में सैंड डाल देती है। और जेंग ये सब देख लेती है और वो मुया को बोलती है मुया उसे सॉरी बोलो, तो मुया उसे सॉरी बोल देती है और वो बच्ची उसकी बकेट में से सैंड निकाल कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जेंग मुया को बोलती है मुया ये तुम्हारी चीज़ नहीं थी, तुम्हें ऐसे किसी की चीज़ों को छीनना नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें उन चीज़ों के साथ खेलना ही है तो तुम्हें पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, अगर वो हाँ बोले उसके बाद ही तुम्हें उनकी चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए, समझ गई? तो मुया बोलती है ओके मॉम, पर मुझे उनके साथ खेलना है। जेंग बोलती है ओके मैं तुम्हारे लिए नया खरीद कर देती हूँ, और फिर वो मुया को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शॉप पर मुया पैसे नहीं देने देती है, तो जेंग उसे समझाती है कि मुया अगर हम कोई चीज़ को ख़रीदते हैं तो हमें उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। तो मुया उस लेडी को पैसे दे देती है और ये देखकर वो लेडी बहुत खुश हो जाती है कि आपकी बेटी तो कितनी समझदार और प्यारी है। तो मुया शर्माते हुए थैंक्स बोलती है। फिर वहाँ पर मुचेन आ जाता है तो जेंग बोलती है मास्टर मु आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो मुचेन बोलता है मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैंने ऐसा करने की कोशिश तो की थी पर अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे दूरी बनाना चाहता तो था पर मैंने सोचा था कि एक महीने के लिए तुमसे दूर चला जाता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे टोंग टोंग के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। जेंग बोलती है मास्टर मु ये प्यार व्यार और शादी वादी तो मेरे समझ से परे है, मेरी मॉम मेरे डैड से सच्चा प्यार करती थी और उसने बहुत सेक्रीफाइस किए थे और उसे बदले में क्या मिला, धोखा, इवन डिवोर्स के लिए भी उसे कितना फोर्स किया गया था। तो मुचेन उसका हाथ पकड़कर बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम जब तक मेरे बारे में कुछ महसूस ना करो मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करता रहूँगा। और मुचेन को जेंग के इतने करीब देखकर मुया तो दौड़ती हुई आ जाती है और बोलती है डैड मुझे पैसे दो, तो मुचेन बी लाइक हैं, और जेंग को बोलता है ये तुमने मुया को क्या सिखा दिया। सीन शिफ्ट होता है और मुया प्रॉन खा रही थी। योंग जुन बोलती है मुया क्या ये टेस्टी है, तो मुया बोलती है हाँ। फिर मुचेन इन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, तो जी बोलता है योंग जुन कह रही थी कि उसे यहाँ पर आना है और किस्मत से तुम लोग भी हमें यहाँ पर ही मिल गए, तो योंग जुन बोलती है मैंने कब कहा कि मुझे यहाँ पर आना है, मेरी तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तुम्हारे कहने पर मैं उसे भी छोड़कर आई हूँ, पर एक बात तो अच्छी है कि हम जेंग से मिल गए, मुझे तो लगा था कि मैं कोई मॉडल ढूंढ ही नहीं पाऊँगी। और मुचेन सोचता है अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं रहा। फिर मुया जेंग को प्रॉन खिलाती है और पूछती है टेस्टी है क्या, जेंग बोलती है हाँ मुया मुझे कुछ भी खिलाए सब टेस्टी ही रहता है। योंग जुन बोलती है जेंग शाओ मुया अब पहले से भी ज़्यादा सीखने लग गई है और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अब तो जब मैं शादी करूँगी और मेरे बच्चे होंगे तो तुम ही उन्हें सिखाना। मुचेन बोलता है नहीं उसके पास टाइम नहीं होगा, तुम अपने आप सिखा देना, और हाँ हम मुश्किल से तो ऐसे पिकनिक पर आ पाते हैं तो चलो अब खाना खाओ। योंग जुन बोलती है तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। जेंग बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे को सिखा दूंगी बस, पर पहले तुम मेरी भाभी तो बन जाओ। तो योंग जुन शर्माती हुई बोलती है तुम्हारी भाभी कौन बनना चाहता है, और जी मुया को बोलता है मुया तुम इसे आंटी बुलाना। योंग जुन बोलती है हे यू इधर जाओ। वान तिंग अभी भी चेन यिंग के पीछे पड़ा हुआ था।
उसने चेन यिंग को कॉल लगाया होता है। चेन यिंग बोलती है, जाओ वान तिंग, तुम्हें तो जेंग पसंद है ना, तो जाओ उसके पास और उसे ढूंढो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो जाओ वान तिंग बोलता है, नहीं, मुझे तो तुम ही पसंद हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं एक अमीर लड़का हूँ तो मैं ये सब प्रोफेशनल तरीके से कर लूँगा। बेबी दरवाज़ा खोलो, मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। तो चेन यिंग उसे गाली दे देती है। जाओ वान बोलता है, इतना भी गुस्सा मत करो बेबी, तुम्हारे ऐसे करने से मू चेन कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हें जेंग शाओ से कुछ सीखना चाहिए, वो कितनी शांति से रहती है, उसके साथ बात करने में कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, और वो तो जेंग फैमिली से है। चेन यिंग बोलती है, चुप हो जाओ, और तुम ये क्या कह रहे थे, जेंग शाओ जेंग फैमिली की बेटी है, पक्का जेंग फैमिली? जाओ वन बोलता है, हाँ तो हाउ कियान ग्रुप वाली जेंग फैमिली, तुम्हें नहीं पता? बेबी अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहती तो मैं जा रहा हूँ, फिर मैं चला गया तो सैड मत हो जाना। और चेन यिंग फोन काट देती है। तो जाओ वन बोलता है, मैंने कुछ रिवील तो नहीं कर दिया ना? तभी उसके पास से एक कार गुजरती है और उस कार में चेन यिंग थी, जो बोल रही थी, अब आएगा असली मज़ा जब मैं आंटी को ये बात बताऊंगी कि तुम जेंग हाओ कियान की बेटी हो, अब तुम्हारे खुश होने के दिन गए बेटा जेंग। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।